ताहिर साहब ने रिपोर्ट किया, जो खवातीन हमें बता रही हैं, ना वहाँ पे अद्वियात है, ना वहाँ पे खैमे हैं, ना वहाँ पे खाना पीना सही पहुंच रहा है, तो खैमे और दवाइयों की किल्लत क्यों आ रही है पीर साहब? जी देखिए, एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तकरीबन 90% एरिया हमारी दादू डिस्ट्रिक्ट का वो अभी फ्लड वाटर के अंदर है। हमारे शहरों पे सारे लोग जो जिनके इलाके यूनियन काउंसिल्स आ गई हैं, वो सारे लोग शहरों में अपने सेफ मकाम पे पहुंचे हैं। इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। लोग जाहिर सी बात है अपना माल मवेशी बच्चों के साथ सेफ मकामात पे। अभी दादू जो शहर है उसमें आपको कोई सरकारी स्कूल खाली नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग खाली नहीं मिलेगी, हर जगह पे आईडीपीज मौजूद हैं। तकरीबन अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 मिलियन जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट की 15 लाख आबादी है, तो उसमें से 8 से 10 लाख लोग जो है वो फ्लड वाटर से अफेक्टेड हुए हैं और डिस्प्लेस हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी लेवल पे ये डैमेज हुई है। तो क्या हुकूमत सिंध के पास खेमों की किल्लत है? जी बिल्कुल, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, हमें अभी तक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 10,000 टेंट्स मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं क्योंकि 2-2.5 महीने कंटिन्यू बारिश ने पहले नुकसान दिया है घरों को, जो कच्चे घर हैं वो बारिश ने ही तबाह कर दिए थे, उसके बाद फिर सैलाब जो आया है, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जो टेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है जितने वो प्रोक्योर कर सके, लेकिन खाली दादू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसके पूरे जो दूसरे अजला हैं उसमें भी ये तबाही आई है। तो उसकी वजह से आप अभी 10,000 टेंट्स जो है वो 8 लाख लोगों जिनके घर नुकसान हुए हैं, तो इसी वजह से ये शिकायत जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा ताहिर साहब, एक खबर ये भी आई है कि खैरपुर नथन शाह से एक नौजवान जो था वो भूखा प्यासा, उसको अस्पताल लाया गया, मगर वो भूख प्यास के मारे जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इस किस्म की खबरें, स्टार्वेशन की खबरें हमने पहले नहीं सुनी थी, मगर अब खैरपुर नथन शाह से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। कितने ऐसे लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, और अगर वो अस्पताल पहुंच गया था तो किसकी गफलत थी कि वो वहां से उनको बचा नहीं सके? उनके खानदान वालों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि जी हम कहते रहे कि इसको कुछ पानी दे दें, इसको देख लें, मगर डॉक्टर्स ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में वो नौजवान जो है वो जान की बाजी हार गया। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? डिस्ट्रिक्ट दादू में तो चारों तरफ पानी है और लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, सड़कों किनारों पर जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर भूख की वजह से जो इत्तलात वो हमारे पास नहीं है, भूख की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ होगा, मगर ये बिल्कुल है कि सड़क किनारे मौजूद हैं, मच्छर हैं और दीगर अमराज जो है वो फूट पड़े हैं पानी की वजह से, तो हो सकता है उसको कोई और मर्ज हो जिसकी वजह से उसकी जान चली हो। अस्पतालों में इस वक्त क्या सिचुएशन है ताहिर साहब? अस्पतालों में डॉक्टर तो ड्यूटी पर मौजूद हैं, मगर अभी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है एक पूरा जो है ना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो तीनों तहसीलों के लोग जो है वो भी दादू में रह रहे हैं और यहीं पर इलाज करवा रहे हैं, तो मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े हैं, तो परेशानी है। कुछ डॉक्टरों की किल्लत भी है, जो स्पेशल डॉक्टर हैं वो दादू में नहीं है, मगर ये MPS साहब मौजूद हैं, इस हुकूमत से ये डॉक्टर मुहैया करवाएं दादू में ताकि लोगों का सही इलाज हो सके। तो पीर साहब, क्या अब सिंध हुकूमत करेगी? वो कह रहे हैं कि जी फुकदान है ना सिर्फ अद्वियात का मगर डॉक्टर्स का भी। क्या आप डॉक्टर्स भेज रहे हैं शहरों से इस इलाके के अंदर, क्योंकि इस वक्त यही सैलाब की जद में सबसे ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखें अभी ये बहुत बड़ा एक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो गया है, लोगों को स्किन डिजीज की कंप्लेन है, गैस्ट्रो, डायरिया, बुखार, इस तरह की चीजें, हमने काफी जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाई हैं ईडीओ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मिलके, उसके अलावा काफी हमारे पास यहाँ पे अपना सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन आई हैं जो अपनी लेवल पे उन्होंने काफी काम किया है, मुख्तलिफ जगह पे जो IDPs बैठे हैं स्कूलों में बैठे हैं वहां पे हम लोग विजिट करवा रहे हैं, उनको वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी जगहों पे फिक्स्ड हमने मेडिकल कैंप्स लगवाई हैं कि लोगों को वहीं पे अपना डोर स्टेप पे, काफी लोग पानी के अंदर जो फंसे हुए हैं उनको बोट्स पे जाके मुख्तलिफ जो है वो पाक नेवी वाले अपना आर्मी वाले
गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो सब वहां पे जाके जैसे केंशा से की है वहां पे बहुत ज्यादा ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। और जो आपने पहले बात कही कि भूख की वजह से मैं नहीं समझता हुआ होगा, लेकिन गैस्ट्रो की वजह से और डायरिया की वजह से अमवात हुई है।